हेलो एवरीवन वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड सो बच्चों अभी हम डिस्कस करेंगे सिक्स क्लास सोशल साइंस का एक पेपर ये सेकंड पीरियडिक टेस्ट का पेपर है सेशन 2022 टू 23 का तो सबसे पहले टेन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं फर्स्ट इज अ कंपास इज यूज्ड कंपास को हम मेनली यूज करते हैं नेविगेशन के लिए सो इट इज यूज टू फाइंड द मेन डायरेक्शन बी ऑप्शन इज करेक्ट मैप शोइंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट आर मैप जो किसी स्पेशल थीम पर बनाए जाते हैं फॉरेस्ट को शो कर रहे हैं रेनफॉल को शो कर रहे हैं रोड्स को शो कर रहे हैं उन्हें हम बोलते हैं थेमेटिक मैप बी ऑप्शन इज करेक्ट द माउंटेन रेंज दैट सेपरेट यूरोप फ्रॉम एशिया यूरोप और एशिया के बीच में है द द मेजर ऑफ द एटमोस्फेयर बाई परसेंटेज एटमोस्फेयर में सबसे ज्यादा सेवेंटी एट परसेंट है नाइट्रोजन ए ऑप्शन इज करेक्ट द मेंबर्स ऑफ ग्राम सभा मस्ट बी एडल्ट है कि ग्राम सभा के मेंबर्स एडल्ट होने चाहिए इसका क्या मतलब है कि उनकी एज कितनी हो एटीन ईयर्स या फिर उससे ज्यादा ए ऑप्शन इज करेक्ट द वर्क ऑफ ग्राम पंचायत हैज़ टू बी अप्रूव बाई द ग्राम पंचायत का काम ग्राम सभा के मेंबर्स अप्रूव करते हैं सो डी ऑप्शन ग्राम सभा इज करेक्ट नेक्स्ट इज द सब डिविजन्स ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट को डिफरेंट डिविजन में डिवाइड किया जाता है नोन बाई डिफरेंट नेम्स उनको किन किन नामों से जाना जाता है तहसील तालुकाज दोनों सी ऑप्शन इज करेक्ट द फाउंडर ऑफ मौर्य एम्पायर वॉज मौर्य एम्पायर को बनाया था चंद्रगुप्त मौर्य ने बी ऑप्शन इज करेक्ट अशोका वॉज अशोका ने बुद्धिज्म को अपना लिया था सो ही वॉज अ बुद्धिस्ट मथुरा इज एन इंपॉर्टेंट सेंटर फॉर वर्शिप ऑफ मथुरा किनकी पूजा के लिए जाना जाता है ऑफ लॉर्ड कृष्णा नेक्स्ट इज आंसर फॉर थ्री मार्क्स अभी तीन मार्क के क्वेश्चन हैं वॉट इज द नेम ऑफ डिफरेंट लेयर्स ऑफ द एटमोसफेयर एटमोसफेयर के डिफरेंट लेयर्स क्या है प्रोपोस्फेयर स्ट्रेटोस्फेयर मेजोस्फेयर एंड नंबर फोर थर्मोस्फेयर ओके नेक्स्ट नेक्स्ट इज व्हाट इज द लिंक बिटवीन ग्राम सभा एंड अ ग्राम पंचायत ग्राम सभा और ग्राम पंचायत के बीच में कौन है जो एक लिंक का काम करता है ये करता है सेक्रेटरी जो कि गवर्नमेंट अपॉइंट करती है सो so, सेक्रेटरी वर्क एज द लिंक बिटवीन ग्राम सभा एंड ग्राम पंचायत जो भी मीटिंग होगी ग्राम सभा की या ग्राम पंचायत की वो यही करवाएगा यही रिस्पॉन्सिबल होगा उसके लिए और ये रिकॉर्ड भी रखता है सभी प्रोसीडिंग्स का और उनके फंक्शंस को कंट्रोल भी करता है सो तीन पॉइंट्स हम लिख देंगे नंबर वन ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉलिंग द मीटिंग ऑफ gram sabha and gram panchayat number second uh, he record all the proceeding proceedings of meeting and he control the function he controls the functioning of gram panchayat okay next नेक्स्ट इज हाउ डू वेमेन बेनिफिट अंडर द न्यू लॉ नया लॉ आपको बताया गया है हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 तो उससे वेमेन कैसे बेनिफिट हुई है अभी जो एग्रीकल्चरल लैंड है या फिर प्रॉपर्टी है उसमें वुमेन को इक्वल शेयर मिला है सुनाओ वुमेन इन इंडिया कैन गेट अ शेयर इन फैमिलीज

बाई इंट्रोड्यूसिंग धमा धम्म को इंट्रोड्यूस करके अशोका कौन कौन सी प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते थे सबसे पहले तो रिलीजियस कॉन्फ्लिक्टो डिफरेंट रिलीजन के लोग आपस में लड़ते रहते थे रिलीजियस कॉन्फ्लिक्टिमल सेक्रीफाइस उसमें अहिंसा की बात कही गई थी और सैक्रीफाइस एंड इ्रीटमेंट ऑफ स्लेव एंड सर्वेंट्स क्योंकि उसमें इक्वालिटी की भी बात कही गई थी ऑफ स्लेव्स एंड सर्वेंट्स देन क्वारल बिटवीन फैमिलीज एंड नेबर्स बिटवीन फैमिलीज धम्बों में ये भी कहा गया था कि सभी लोगों को आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए एंड नेबर्स तो ये कुछ प्रॉब्लम थी उनके किंगडम में जिसकी वजह से उन्होंने धमा को इंट्रोड्यूस किया ताकि ये सॉल्व हो सके नेक्स्ट इज लिस्ट द क्राफ्ट हु वुड हैव बीन प्रेजेंट इन बोथ एंड सिटीज वो कौन से क्राफ्ट थे जो विलेजेस और सिटीज दोनों जगह पर देखने को मिलते थे कारपेंटर वीवर्स एंड पॉटर्स ओके नेक्स्ट नाउ क्वेश्चन फॉर फाइव मार्क फाइव मार्क का क्वेश्चन है ब्लैंक्स आपको फिल करने हैं फर्स्ट इज द डीपेस्ट पॉइंट ऑन द अर्थ इज ब्लैंक इन पेसिफिक डीपेस्ट पॉइंट कौन सा है अर्थ के ऊपर मरियाना ट्रेंच जो कि पैसिफिक ओशन में है नेक्स्ट इज द ब्लैंक ओशन इज ने आफ्टर अ कंट्री इंडियन ओशन का नाम इंडिया के नाम पर रखा गया है और यह अकेला ओशन है जिसका नाम किसी कंट्री के नाम पर है द ब्लैंक इज अ नैरो अंटैक्ट जोन ऑफ लैंड वाटर एंड एयर दैट सपोर्ट लाइफ वो कौन सी जगह है जहां पर लैंड भी मिलती है वाटर भी मिलता है एयर भी होती है और ये लाइफ को सपोर्ट करती है इसे हम कहते हैं बायोस्फेयर नेक्स्ट इज द ऑफ यूरोप एंड एशिया दोनों को कहा जाता है यूरेशिया नेक्स्ट स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स सही है गलत है ये बताना है उज्जैन वॉज द गेट वे टू नॉर्थ वेस्ट फॉल्स है तकसीला गेट वे था नॉर्थ वेस्ट का फॉल्स चंद्रगुप्त आइडियाज वर रिटर्न डाउन इन अर्थशास्त्र ये भी फॉल्स है इसमें चाणक्य के आइडिया लिखे गए थे अर्थशास्त्र में नेक्स्ट इज कलिंग वॉज द एंशियंट नेम ऑफ बंगाल ये भी फॉल्स है ये उड़ीसा का पुराना नाम था मोस्ट अशोकन इंस्क्रिप्शन्स आर इन ब्राह्म स्क्रिप्ट ये ट्रू है वो प्राकृत में बोलते थे और ब्राह्म्य स्क्रिप्ट में उनके जो इंस्क्रिप्शन हैं वो है ताकि आम जनता उसको समझ सके अशोका गेव अप वॉर आफ्टर लूजिंग इन कलिंग फॉल्स है उन्होंने कॉन्कर किया था कलिंग वॉर को हालांकि बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हुए थे वहाँ पर जो लोग मरे थे उनको वो देखकर तो उसके बाद उन्होंने वॉर को गिव अप किया था ये पॉइंट रॉन्ग है लूजिंग फॉल्स नेक्स्ट इज मैच द आइटम्स इन कॉलम ए करेक्टली विद दो गिवन इन कॉलम बी यहाँ पर आपको कुछ सिम्बल्स दिए हुए हैं जो मैप में हम यूज़ करते हैं और वो सिम्बल्स के हैं वो आपको मैच करना है ये फर्स्ट सिम्बल ये है ब्रॉड गेज रेलवे लाइन का सेकेंड ये है अनमेटल्ड रोड का नेक्स्ट नंबर थ्री ये है छतरी नेक्स्ट नंबर फोर ये है डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री एंड ये सिंबल है बेल का ओके सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स ये था क्लास सिक्स सोशल स्टडीज़ का एक पेपर थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग